नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची के मैदान पर खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कुल 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 313 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को कप्तान एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा की ओर से शानदार शुरुआत मिली। फिंच ने जहां 93 रनों की पारी खेली तो वहीं उस्मान ख्वाजा ने कुल 104 रन बनाए। साथ ही ग्लेन मैक्सवेल ने 47 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके। 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। शिखर धवन 1, रोहित शर्मा 14 और अंबती रायडू 2 रन बनाकर पेवेलियन की ओर लौट गए। इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को संभालने की कोशिश की। विराट कोहली ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक और शतक लगाया। उन्होंने 123 रनों की पारी खेली। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने 26, केदार जाधव ने 26, विजय शंकर ने 32 और रविंद्र जडेजा ने 24 रनों के योगदान दिए, लेकिन ये इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुए और महज 48.2 ओवरों में ही भारतीय पारी 281 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी करते हुए जाई रिचर्डसन और एडम जैम्पा ने सबसे अधिक 3-3 विकेट झटके। इस मुकाबले को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इस श्रृंखला को जीवित रखा है। आपको बता दें कि इस श्रृंखला में अब भी भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।